किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। ये वीडियो हम बना रहे हैं मंडी डबवाली पे गगन भाई के पास। इन्होंने चार गायें यहाँ से सेल करी है। चारों की चारों गायें का क्या रेट है, कितने दूध की गायें हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे और चारों ही गायें हम आपको वीडियो में चलाकर दिखाएंगे। ये मंडी डबवाली पे हम वीडियो बना रहे हैं। इधर आप देख सकते हो पूरी मंडी है। ये मंडी महीने पर चार बार लगती है, हर संडे को ये मंडी लगती है। मंडी का एड्रेस पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे ये मंडी लगती है। आप यहाँ पर आकर हर तरह की, हर क्वालिटी की, हर रेट की गायें खरीद सकते हो। अगर खरीदनी है तो गगन भाई का नंबर हमने आपके साथ शेयर कर दिया, उस पर कॉल कर सकते हो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल है गगन भाई? बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले तो आज की मंडी का रेट क्या रहा? आज की मंडी का रेट सस्ता है जी, लो है। ठीक है जी। और चार गायें किस एरिया में भेज रहे हो? ये जयपुर जा रही है। एवरेज रेट और दूध? एवरेज रेट इनका जी 55,000 से लेके 70,280 के लिए एक गाय। ठीक है जी। हाँ जी, और कुछ किसानों को क्या कहना चाहोगे? जैसे अभी दीपावली के बाद तो सीजन काफ़ी तेज चलेगा, मार्केट का भी रेट थोड़ा फर्क आएगा। कहना तो यही चाहूँगा कि जैसे भी आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर लेना चाहो या कोई ऑफलाइन ऑर्डर जहाँ आपके ले सकते हो, कोई धोखेधड़ी वाला काम नहीं है, एक नंबर का काम है हमारा। क्या तसल्ली लेते हो अगर कोई कस्टमर आपके अकाउंट में पैसे डलवा रहा है ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए, तो यकीन कैसे करें आप पे? यकीन वो तो ऐसे है जी, ट्रांसफ़र जो होगा वो तो बैंक डिटेल भी बताएगा। हम पैसा थोड़ी रख सकते हैं किसी का, हम किसी को डालोगे वो भी हम वापस ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा आपके चैनल के माध्यम से हमारी कितनी वीडियो डल गई, अगर हमारा ऐसा काम होता तो कब के फेल हो चुके होते। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी, क्या हाल है जी? बस बढ़िया जी। अपना नाम और एड्रेस बता दो जी। मेरा नाम रामेश्वर कुमार, तहसील चौमू, गाँव काला डेरा। चार गायें जो खरीद रहे हो मंडी से खरीदी है? मंडी से, गगन भाई से। गगन भाई से कांटेक्ट कैसे हुआ? इनके वीडियो देख के यूट्यूब पे लिया था मैंने नंबर। ठीक है जी। तो इनका जो अंदाज है डीलिंग करने का, बहुत स्वभाव कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। और जो आपके पास पैसे थे, कैश था या बैंक अकाउंट था, वो आप इधर लेकर आए, आपको रिस्क नहीं लगा कि ठगी ना हो जाए, लूटा ना जाए? नहीं नहीं, कुछ तो कैश था कुछ ऐसे। ठीक है। अभी आप तो यहाँ पर आ गए, कोई अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहता है तो गगन के अकाउंट में पैसे डलवाने पड़ेंगे? ये बंदा सही है, पैसे डलवा सकता है कोई दूर बैठा? बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं। कोई कमी लगी हुई इनमें? नहीं नहीं, एकदम व्यवहार नेचर से बढ़िया आदमी है जी। ठीक है। ऐसा तो नहीं हो कि सौदा करने में चलाकी करी हो, हेरा फेरी करी? ना 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 जी। और दूसरी बात, गायें, गाय का रेट कैसा लगा? गाय का रेट बढ़िया है जी। बढ़िया, महंगी तो नहीं लगी? नहीं नहीं, और तो महंगी है नहीं जी। इन्होंने बढ़िया डीलिंग करवा दी थी? हाँ एकदम बढ़िया ओके। और जितना दूध बोला लग रहा है निकलेगा? हाँ लगता तो है। और जो राजस्थान के कस्टमर इनके पास आना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही राय देना चाहता हूँ, गगन भाई से संपर्क करो और गाय लो, टेंशन फ्री होकर। टेंशन फ्री होकर, बिल्कुल जी। ओके धन्यवाद जी। तो गगन भाई अभी गाय के बारे में बता दो, ये गाय कौन सी ब्यांत की है? ये सेकंड की है। ज्ञापन है? हाँ जी, ज्ञापन अभी ले रही है हफ्ता। कितना दूध दे देगी जी? ये दूध देगी कम से कम 25 लीटर, ज्यादा जा सकती है, कम नहीं। रेट बता दो जी गाय का। इसका रेट है 2,70 के लिए जी। 68,000 में? हाँ जी। इतना ही है जी रेट? हाँ जी बिल्कुल। और दूध 25 लीटर कह रहे हैं, आपको लग रहा है 25 लीटर निकालेगी? लगता तो है इसका देख के। क्वालिटी कैसी लगी? क्वालिटी देख के लगा जी। चलाओ गाय को। तो किसान भाइयों, 68 में गायें यहाँ से राजस्थान के एरिया में जा रही है, 25 लीटर टोटल दूध करेगी। अभी 7-8 दिन डिलीवरी में रह रहे हैं। गाय की क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी आपके बिल्कुल सामने है। जितना आपका बजट है वो बजट इनको बता दो कि हम ऐसे बजट में गायें खरीदना चाहते हैं। अगर महंगा बजट है तो महंगे बजट की गायें ले लो, अगर बजट कम है तो कम बजट की गायें ले लो। कद काठी देखो निर्मल भाई, इसकी कद काठी देखो, और जवान है जी, ऐसी नहीं कोई बूढ़ी गाय है, बिल्कुल सफ़ेद दूध होगा और बिल्कुल जवान है जी। देखो जी इसकी कद काठी और फेस ब्यूटी देखो इसकी। तो किसान भाइयों, गाय की क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी आपके सामने है। इस गाय के बारे में बता दो गगन भाई। ये भी सेकंड में है जी। और ये कितने दूध की है? ये है जी 20+ की है जी। 20+? हाँ, पीछे बछड़ा है जी, 4 दिन की ब्याई है। और इसका रेट जी? इसका रेट 62 है जी। 62,000? हाँ जी। चलाओ जी। तो किसान भाइयों, 20 लीटर के आसपास में दूध करेगी, 20 कर जाए, 21 कर जाए, 22 कर जाए, वो डिपेंड है गाय की क्वालिटी पे। और जो इसका रेट है, इसका रेट 62,000 है। गाय की क्वालिटी आप देख सकते हो, ये चल के आती है निर्मल भाई, चल के आती है ना, गांव से चल के आती है, थोड़ी थकान महसूस कर लेती है, अभी इनका मिल्क निकाला हुआ है अभी, इसलिए थोड़ी कम दिख रही है। और
इसकी भी बढ़िया है, ऐसी क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी की, ऐसी बात नहीं है, अदर क्वालिटी। अभी दूध निकाला है कम से कम इसके नीचे 9 लीटर खीस ही जा। अभी ले आओ जी वापस ले आओ। तो किसान भाइयों अभी दूध निकाल लिया है क्योंकि गाड़ी में लोड करनी है गाय। लोडिंग से पहले गाय को खाली करना ज़रूरी है, अगर वैसे ही लोड कर दी जाएगी तो रास्ते में दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। इस गाय के बारे में बता दो जी। ये भी दूसरे है जी, दूसरे में आते में। हाँ जी। और इसके साथ बछड़ा है या बछड़ी? इसके साथ बछड़ा है। बछड़ा? हाँ जी। और कितने दूध की गाय है जी? है जी 25 लीटर की खीस और... बहुत निकाला है जी अभी इसने, 12-13 लीटर खीस निकाल दिया। रेट जी? रेट इसका 62। ये भी 62 में, ये भी सेम रेट की है। चलाओ जी। तो किसान भाई इन दोनों गाय का सेम रेट है, सेम बैकग्राउंड है। इसका दूध भी आपको बता दिया, इसका दूध थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी आपके बिल्कुल सामने है। साथ बछड़ा है क्योंकि बिल्कुल 100% प्योर गाय नहीं है, लोकल गाय है, नॉर्मल क्रॉस में, बिल्कुल क्रॉस में नहीं कह सकते। ये कस्टमर की डिमांड थी जी, ये जयपुर जा रही है क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा गर्मी होती है, राजस्थान में ज़्यादा ब्रीड कम चलती है ना। हाँ जी, वो हाँपती रहती है जी, फिर इसलिए इन्होंने बोला था भी हमको क्रॉस ब्रीड में चाहिए थोड़ा, और इनको दूध भी ज़्यादा था चाहिए था, इसलिए थोड़ी सी मिक्स दी है इनको जो हाँपेगी नहीं और क्वालिटी भी अच्छी दी है। नए 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 नई नई गाय दी है, कोई ऐसी नहीं बूढ़ी गाय नहीं दी है। इस गाय के बारे में भी बता दो जी। ये भी सेकंड में है जी। बछड़ा है या बछड़ी? हाँ जी, शाहीवाल क्रॉस में है जी। इसकी फेस ब्यूटी देखो जी, शाहीवाल में पड़ती है। ये बछड़ा है या बछड़ी? ये बछड़ी है जी। ठीक है जी। ये शाहीवाल बछड़ी है जी। दूसरे ब्यांद की है? हाँ जी, दूसरे ब्यांद की है। कितने दूध की है जी? ये 25 लीटर आराम से देगी जी, आराम से, बिल्कुल अडर क्वालिटी देखना, अडर से पता चल जाता है, जो जानकार आदमी है उसको अडर से पता चल जाएगा दूध कितना देगी। रेट की? रेट इसके 55,000। 55,000? हाँ जी। इसका रेट कम क्यों है फिर? उनके शाहीवाल क्रॉस में है जी। क्रॉस में है? हाँ जी। ठीक है, चलाओ जी। तो किसान भाई ये दूध तो 25 लीटर है लेकिन रेट कम है। कम क्यों है? क्योंकि क्रॉस में है, शाहीवाल क्रॉस। कलर तो वाइट और ब्लैक है लेकिन करेक्टर है जो क्रॉस में है। हाँ, गल कंबल देखो जी, फेस ब्यूटी देखो, कान देखो, सब शाहीवाल में है। पूंछ देखो, सब चीज शाहीवाल में, और अडर क्वालिटी देखो। आंचले एक 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 थन ऐसे है जैसे अकेला अकेला, गैप देखो थोनों। बछड़ी भी शाहीवाल की है ना? हाँ जी, बछड़ी भी शाहीवाल की। तो किसान भाइयों जो गाय थी गगन ने जो यहाँ से खरीद कर आगे बेच रहे हैं राजस्थान में, गाय कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता देना, वीडियो कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट कर देना, और लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर इनसे आप गाय खरीदना चाहते हो तो इनका नंबर हमने आपके साथ शेयर कर दिया, कभी भी दिन को रात को कॉल करके इनसे गाय खरीद सकते हो। और वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद।